दशहरा यानी विजयदशमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में इसी तिथि पर भगवान श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था। एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा ने इसी तिथि पर महिषासुर नामक दैत्य को मारा था। इन दोनों मान्यताओं के हिसाब से हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:14 तक रहेगी, क्योंकि दशमी तिथि का सूर्योदय 24 अक्टूबर को होगा, इसलिए इस तिथि पर ये पर्व मनाया जाएगा। शस्त्र पूजा भी इसी दिन किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं शस्त्र पूजा का मुहूर्त और शस्त्र पूजा की विधि। शस्त्र पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 तक रहेगा। इस दौरान शस्त्र पूजा करने से देवी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं शस्त्र पूजा की विधि क्या है। शस्त्र पूजा के लिए दशमी तिथि पर सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें, फिर एक स्थान पर सभी अस्त्र शस्त्र व्यवस्थित तरीके में जमा कर दें। इसके बाद शस्त्रों के ऊपर जल का छिड़काव करके पवित्र करें। सभी अस्त्र शस्त्रों पर मौली बांधे, इसके बाद उस पर तिलक लगाएं और फूल माला पहनाएं। वहीं पूजा करते समय ये मंत्र बोलें: अश्विन से सिते पक्षे दशमाय तारको दे सकालो विजयो गेहे सर्व कार्यार्थ सिद्धे। इसके बाद महाकाली स्रोत का पाठ करें। तलवार या कोई और शस्त्र हो तो उसका प्रदर्शन करें। अग्नि अस्त्र हो तो हर्ष फायर करें। दशहरे पर शस्त्र पूजा करने से शोक और भय का नाश होता है, साथ ही देवी विजया भी प्रसन्न होती हैं। तो आप भी दशहरे के दिन इस विधि से शस्त्र पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।